नहीं है, तो मैंने उनका बराबर हर पोस्ट बराबर से हस्बैंड ठाकुर ना कैमरा रेडी कर, बुलेट सब आ रही है, विल बी रेडी, एंट्री स्लो स्लो ले, फ्रंट थोड़ा स्लो ले लो सर, थोड़ा स्लो, हाँ आराम आराम से, आराम से बिल्कुल, एक कैमरा लगे हुए थे खाली हेलमेट पे। किशन इस तरफ है, ले लो ये मैंने फुटेज, ये फुटेज मैंने ले लो। ये ले लेना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बस क्लोजअप ले लेना। Lady Biker, she is from Biker New, the largest ladies biking club in the Republic of India. It's an Indian. Mr. Kapoor, Mr. Shashi Kapoor, son, on behalf of the entire biking community, we want to express our heartfelt condolences on the demise of Shashi uncle, the biggest, handsomest superstar in the Republic. With this, at 12:21, 16th of April, I close my ride. Thank you very much. Welcome. इसको मेरे को बिजी मत कर। कम और कम 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 कम
तो इधर आ फोटो ले ले। So we are all trying to, we all come here to welcome me. It's lovely to be back in the Republic of India. And that's a Ducati rider. Next to a Triumph. Next is Baikuni KTM, is my mother. That's me, Triumph. And all friends, and all of us have come here. Kunalim Sen was a very big rider in his younger days. There's a very healthy biking community. India is the largest, second largest biking country in the world. So we wish all biking communities to enjoy themselves and take care, a lot of safety on the roads. And good luck, India. Good luck, Center, everyone. To talk or interview, then she'll talk a little bit about it. Yeah, I'll move out from there, then they'll talk a little bit about it. दोनों का अलग अलग experience. हाँ. First, little about your experience. पहले मैं इनका introduce करता हूँ. इनका एक chapter introduce करता हूँ. इनका अलग से लेंगे. तो अभी क्या करें? पहले आप कर दीजिए. तो फिर सबको सबको बुलाएं मैं अकेले करूँ क्या करूँ? पहले आप दीजिए. ओके ओके पहले आपका एक बाइक ले लेंगे और से जर्नी ओके गिव मी 2 मिनट्स या 2 मिनट्स या रोलिंग रोलिंग या रोलिंग रोलिंग सो इट्स बीन लवली हॉट डस्टी डर्टी व्हाटएवर इट इज आई लव माय कंट्री लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग लाइक्स देयर ओन कंट्री सबको अपने देश से शौक है मैं जब गया था इस यात्रा के ऊपर तो मैंने ये नहीं देखा कि मैं कितनी इमारतों में जा रहा हूँ कुमार आओ यू मैंने ये नहीं देखा कि मैं कितने इमारतों को देख रहा हूँ कितने पत्थरों को छू रहा हूँ मैंने ये देखा कि मैं कितने इंसानों को मिल रहा हूँ और मैं हाईवे पर रहा हूँ छोटे छोटे गाँव में गया हूँ लोगों को मिला हूँ बड़ा आनंद आया किसी ने चोरी नहीं की किसी ने धक्का नहीं मारा लोगों ने फ्री में चॉकलेट खिलाया मुझे एक आदमी ने फेरी के पैसे दिए सो देयर इज़ लॉट ऑफ लव इन द वर्ल्ड एंड आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट दैट आई हैड अ लवली टाइम माई बाइक रैन वेरी वेल दिस इज़ अ ट्रायम्फ और कहीं भी सर्दी जुकाम नहीं हुआ इसको And I'm very grateful to Triumph for sponsoring me. I'm grateful to all my sponsors. सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है इसीलिए मैं कहता हूँ कि thank you God. So God is equal to sponsor than God himself. It's easier telling you like that. सर कैसा रहा एक्सपीरियंस थोड़ा elaborate करें. I reached Russia in 4 degrees, 10 degrees. तो 10 दिन 10 degrees होता था तो 10 degrees centigrade में हालत ख़राब हो जाए आप कितने भी गर्म कपड़े पहनो तो जो मौसम होता है वो आ जाता है पीछे से और उसके बाद में चार दिन के बाद में 30 डिग्रीज हो गया था साइबेरिया में तो रशियन लोग परेशान हो गए तो उन्होंने कहा मुझे आप 30 डिग्रीज में कैसे जिंदा हो मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया मैं जानता हूँ 30 डिग्रीज क्या है सो दिस इज़ द वेदर आप कुछ नहीं कर सकते हो बरसात में फंसा मैं रशियन थंडर स्टॉर्म में उसके बाद यूरोप गया तो यूरोप में ठंडी और हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई आई वेंट टू इटली और यहाँ से एक इटालियन फ्रेंड है वहाँ यहाँ पे मुझे मिलने के लिए देयर शी इज़ ओल्गा And I stayed in her house for 2 weeks. तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले सबने प्यार दिखाया आपको कब लगा कि इस तरह का ट्रिप करना चाहिए ना होल वर्ल्ड मेरा मेरी मेरी कहानी बहुत अजीब है आप पृथ्वी थिएटर पे खड़े हो हाँ जी यहाँ पे पृथ्वीराज जी ने अपना बताया सबको कि मैं क्या हूँ मैं कैसा हूँ उनका नाम है यहाँ पे और सबको आशीर्वाद यहाँ से मिलता है थिएटर इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री में मैं फिल्म इंडस्ट्री में रहा नहीं मैं पहले ही अलग लाइन में चले गया था ये बहुत पूरा लंबी कहानी है मेरे गुरुजी का हाथ था इसमें तो कभी मुझे इतना सफ़र करने का मौका नहीं मिला और जिस दिन और करीबन 5-10 साल पहले मैंने सोचा कि चलो लेट्स सी व्हाट द फिल्म इंडस्ट्री देख तो 5-6 पिक्चरें की कबीर मुझे तब से जानता है इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड आप लोगों से भी मिला होगा कहीं ना कहीं और जब पिताजी का इंतकाल हुआ तो मैंने कहा बस अभी जो करना था लाइफ में कर लिया अब मुझे आराम ही करना है तो मेरे बेटे ने कहा डैड मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ तो मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के कभी उतरा नहीं उसके बाद में कभी यार बाइकर आल्सो ये भी बाइकर है लॉन्ग डिस्टेंस या ही इज़ अ पार्ट टाइम फोटोग्राफर इज एक्चुअली अ फुल टाइम बाइकर बाइकर एंड आर्टिस्ट या सो देन दिस इज़ इट आई गॉट इनटू अ बाइक और मैंने पहले ही सोचा कि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जाऊँगा फिर मेरी वाइफ ने कहा पहले हिंदुस्तान घूमो ये करो वो करो सो आई डिड इंडिया भूटान नेपाल मैं अपनी वाइफ के साथ धर्मशाला गया मोटरसाइकिल पे तो करते करते स्टैमिना बढ़ाते बढ़ाते मैंने एक साल प्लानिंग की है 1 ईयर प्लानिंग मैं एक एक रोड को जानता हूँ एक एक जगह जानता हूँ एक एक शहर जानता हूँ ऐसे नहीं कि मैं एटीएम कार्ड लिया बाइक ली चाबी ली और निकले घर से ऐसा नहीं होता है
तो सर साथ बाइक में जाना घूमना क्या क्या आप लेके गए मतलब साथ में? ये देखिए तीन ये डर्ट सैक के तीन बैग्स हैं यहाँ पे, ये वाटरप्रूफ है, इसको सॉफ्ट लगेज कहते हैं। ये वर्ल्ड में किधर बनता नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम समबडी इज मेड इट इन द वर्ल्ड। ये हिंदुस्तानी है, दिस इज इंडियन। मैंने सब जगह ढूंढा है वाटरप्रूफ बैगेज के लिए, पर वाटरप्रूफ किसी के पास ना, हाथ लगाइए ना, हाथ लगाइए। अच्छा चलो कैमरा बाद में छोड़ो। तो दिस इज वाटरप्रूफ एब्सोल्युटली। तो इसके अंदर एक साइड पे मेरे कल का सामान है, एक साइड पे परसों का सामान है, एक साइड पे आज का सामान है। और ये जो मेरा बेल्ट है आप देखिए यहाँ पे, ये मेरा पाउच है, स्पेशली मेरे लिए बनाया गया था इसी कंपनी ने, डर्ट सैक ने। इसमें मेरा अभी का सामान है, समझ लीजिए सब चोरी हो गया, हो सकता है कुछ भी हो सकता है वर्ल्ड के अंदर। तो मेरी दवाइयाँ, मेरे बेसिक डॉक्यूमेंट्स, मेरा पासपोर्ट यहाँ पे है, 10 महीने कभी भी ये पॉकेट से शिफ्ट नहीं हुआ है, यहीं है। तो मैंने हर चीज़ की प्लानिंग की, कितनी तकलीफें आ सकती है, क्या हो सकता है, समस्या के पहले समस्या तो पे पहुँचो तो समस्या नहीं आती है। सर जैसे कि आप दूसरे हर नई नई कंट्री में आप गए रहे, तो जब पास वीज़ा मांगने का समय आता है तो किस तरह का मतलब कुछ? इंडिया में जब मैं गया वीज़ा मांगने के लिए, तो बहुत से लोगों ने पूछा कैसे जा रहे हो, मैंने कहा मोटरसाइकिल पे, तो कहते क्यों, अब क्यों का क्या जवाब है। और जब मैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए खास करके इंग्लैंड जा रहा था, तो वहाँ पे फ्रांस में कैले में इमिग्रेशन होता है, तो वहाँ पे बॉर्डर वाले ने पूछा कि यू आर 61 इयर्स ओल्ड, व्हाई आर यू डूइंग दिस। मैंने बोला भाई शौक है, आई वांट टू डू इट, आई नेवर गॉट द अपॉर्चुनिटी व्हेन आई वाज यंग। सो उसने ठाक करके जोर से थापा मारा और स्माइल दिया, कहा गुड लक। तो लोगों को हैरानगी हुई कि ये बंदा क्यों कर रहा है ऐसा। बहुत से लोगों ने कहा यार एरोप्लेन में घुमा, बट इट वॉजेंट ईजी। मैं जब हाईवे पे होता था, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ गुजरती थी, तो मैं सोचता था मैं उसमें क्यों नहीं हूँ, इसमें क्यों हूँ, तो मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, फिर भी इन सब चीज़ों का हल करते करते आपके पास पहुँचा हूँ मैं। एक बहुत ज़रूरी मैसेज है। पहली बात है कि मैंने पाया क्या, मैंने ये देखा है कि मेरी मृत्यु कैसी है, कैसे हो सकती है, यानी मुझे अपनी इंसानियत समझिए, अपनी मृत्युता नज़र आई। जब सामने कोई ट्रक वाला तेज़ी से आ रहा है, कोई तकलीफ़ हो, मैं अटक जाता था, मैं फंस जाता था, मेरी चोरी होती थी, ये डर दिन ब दिन ये डर है मेरे सामने होता था, तो उसने मुझे एक इंसान बनाया। मेरा संदेश इसीलिए ये है, आप सब पत्रकार हैं, आप सब वीडियोग्राफर हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं, अब वो हैं जो संदेशा लोगों को भेजते, तो ये बताइए ज़रूर कि सच्चाई जो होती है ये देखी नहीं जाती है, ये पढ़ी नहीं जाती है, सुनी नहीं जाती, ये केवल महसूस की जाती है। तो कैसी भी सच्चाई आप अपनाना चाहते हैं, पहले उसे महसूस करने की पूरी कोशिश कीजिए, उसके बाद संदेशा आगे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करना? जी इसके बाद क्या करने वाले हैं? इसके बाद क्या करने वाला हूँ? इसके बाद व्हाट इज द प्लान फॉर द फ्यूचर? मेरा फ्यूचर, आई एम अ रिटायर्ड एक्टर, रिटायर्ड बिजनेसमैन, रिटायर्ड ह्यूमन बीइंग। अब मैं केवल लिखता हूँ, अभी इसकी किताब लिखूंगा। ये मैंने मेरे पास 1,500 GB क्या 1,500 GB तो मीडिया है मेरे पास में, तो मैं एक फेस्टिवल फिल्म बनाने वाला हूँ, 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, की मैंने ये सब पागलपन क्यों किए। सर अलग अलग देशों में आप गए, कल्चर वाइज इंसानियत में आपको क्या फर्क? ये दो अलग शब्द हैं, कल्चर अलग है, इंसानियत अलग है, आप फैसला करो क्या पूछ रहे हो। दोनों ही मतलब कल्चरल डिफरेंस, कल्चर वो होता है जो किताबों में लिखी गई है, इंसानियत वो होता है जो दिल में लिखी गई है। तो मैंने दोनों देख लिए और मैंने दिल वाली इंसानियत देखी है और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दिल वाली इंसानियत कल्चर वाली इंसानियत को नहीं देखता है, वो अपने दिल के अंदर झांक के, क्यों मैडम है राइट माधुरी, तो अपने दिल के अंदर झांक के देखता है। हाँ आओ माधुरी, इस बात पे आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू द बाइकरनी। एक छोटा सा आर्मी का स्क्वाड होता है, उसमें 1200 सोल्जर होता है, ये 1200 लेडीज हैं हिंदुस्तान के अंदर, द फर्स्ट लेडीज क्लब ऑफ इंडिया द बाइकरनी, और ये मेरे साथ अलग अलग शहरों में हिंदुस्तान के अंदर मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं, तो ये आई मेरे साथ में यहाँ पे, आप बात कीजिए इनके साथ। Founder of the club is Urvashi Patole. She started this The Bikerni, which is a woman motorcycle group in 2011. So she started with a group of 6 girls, and now we have entirely all over India we have 1200 females. How was the experience? Experience since Bikerni has started, I knew Urvashi since before that. So I've been in Bikerni since 2011. So the experience is actually tremendous. The kind of experience that we've got riding, taking care of our own self and taking care of within the group
it's tremendous. And what is the motive behind it? I mean, any related to any social cause or something like that? We do social causes ride. We do go a lot of rides, which is social, like Beti Bachao, Beti Padhao and all that. But for the group, the motive is women empowerment. So there are many women who has a passion for riding, and they are not able to come out of their houses, so we are there to be with them, and we ride them, we teach them, and then we make sure we ride with them. And any company, any corporate supporting in this venture as such? As of now, no company, but we do get sponsorships across from the company, like we had for Castrol for riding to Khardungla Pass and all. So we had different sponsorships from different companies. Thank you so much. Welcome. Thank you so much. Thank you. He's a rider, a professional biker. Thank you, sir, for the introduction. Mera naam Janak hai. I ride a scrambler Ducati. Sir, itne achhe introduction ke saath. Aap dekhen ke wo apni had mein rahe. Someone who was a part of the making of this great ride. It's a good initiative you have taken, sir. In future, any planning for the safety? Because now it is continuously the accident is going in India and the world also. Mm-hmm. Any safety awareness campaign you will do by riding a bike? Definitely. I might take up a safety campaign sooner or later, but I would just request everyone that, you know, enjoy yourself. Don't mimic anyone. Everyone is individual. So just go with the flow, have fun, and above all, respect everyone around you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Rolling? Yes. No ride, no bike trip is perfect if your bike isn't good. There are all kinds of bikes and there are all kinds of situations. Har kisam ke road hai, har kisam ki halat hai, aur har halat ke liye aapko ek insaan ki zarurat padti hai, kisi ki salah ki zarurat padti hai. And isme I want to give a very big thanks to Triumph India, jinhone ek special phone number rakha tha ki main jab bhi takleef mein hu to main us phone number se baat karke टेक्नीशियन से पूछो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है. आइए ट्राइम कम आराश. Thank you very much. And Arash, tell them a little bit about Triumph. Well, it's a 100-year-old brand. It was there into existence possibly 1902, जब पहली बाइक बनाई थी. And it's been in India since 2014. We've manufactured incredible motorcycles and award-winning, possibly 54 awards won till date in a matter of around 4 years. Sir, हमारे पास आए थे around 1.5 years back. आज हम वहीं से आ रहे हैं. We were sitting on the same couch, same place, same time, you know, almost 1.5 years back. It was so nostalgic के वो बैठे थे मेरे सामने and we were talking as to what motorcycle you should be taking down, you know, इतना बड़ा ride है. तब उस समय पे मैं किसी को जानता नहीं था जो इतना बड़ा राइड उनकी उम्र में करने की सोच रहे थे. सो इट वाज रियली रियली ग्रेट फॉर अस एंड वी सैट डाउन एंड वी डिसाइडेड के उनको एक ट्रायम्फ बॉनविल लेनी चाहिए फॉर द राइड दैट ही वांट्स टू डू. उन्होंने बाइक खरीदी. आफ्टर दैट गुड 5-6 मंथ्स स्पैन दिया टू गेट यूज टू इट, गेट अकस्टम टू इट, एंड देन ही स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम दिस प्लेस ऑनवर्ड्स. एंड I have been a part of this entire process from day one, from the time that thought was actually playing in the back of his mind to where it is real and reality today. And thank you so much, sir. Really, really appreciate. And we are glad to see you standing here, safe and sound, first of all, and that this product has stood so strong around all terrains across the world. Thank you so much, and we have to book an appointment. A lot of people want to hear from you, okay? And we are trying to schedule some appointment whenever you have free time, you know, possibly ekad entire journey ka explanation. A trillion people are waiting to hear it. Thank you very much. Pleasure is all mine. Thank you, guys. Thank you. Yes, come. Run. Rolling.
स्टैंड करो, या स्टैंड करो इंजन. कूद क्यों रहा है यार? बस बाइक के पास ही खड़ा रहा, वहीं हेलमेट पे चल. बस स्टैंडिंग देयर. हेलो वी गुड इवनिंग, मैं तेरा कपूर. आई एम अ लॉन्ग डिस्टेंस बाइकर एंड आई एम जस्ट कम फ्रॉम दिस ऑन द लोन. नाइस टू मीट यू. थैंक्स. थैंक यू. कल के स्टिकर्स स्टैंप सर. किशन किशन सूट कर 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 रहे तू से बाइक चला रहे हैं. अ ग्रेट एनवायरमेंटलिस्ट, ऑलवेज ग्रीन. और साथ में मेरे मामा भी रहते हैं. ये कम स्पेशली फ्रॉम गुजरात, फ्रॉम गुजरात टू कम एंड रिसीव. थैंक यू. थैंक यू. वेलकम बाय. एक सेकंड, एक सेकंड. छोटा सा बाइक कर लो, आ जाओ. ये सब बताएंगे आपको, मैं इंट्रोड्यूस करके निकल जाऊंगा. Rolling. Okay, I now have to introduce you to a fantastic guy who's been in charge of my complete social media. And this is India's new and latest startup company called Scout My Trip. और ये वादा करते हैं कि Google को भी धक्का मार के बाहर निकालेंगे. They are already on level one of funding. And please meet Vineet here. And Vineet, बताओ जरा अपने बारे में. Thank you so much, Aditya, for the glowing words. It is no joy. I mean, I don't know how to describe this, to see Aditya back in Bombay. I mean, this is where it started. I remember this was May last year, and we were all standing here, and the joy in Aditya's face then, that he was, you know, going on for this trip, and now that I see him, I hugged him right now, and I know that it's a changed person, and he has changed. He has, I think, become 100 times the kind of guy that we all want to respect. I mean, whatever he was, he's 100 times more. I mean, I don't know how else to describe it. But it's been a pleasure following Aditya's journey on social media. I mean, his official website is hosted with us, which is quite an honor for us. He goes by the name Lord Fusebox, and we kind of manage that also for Aditya. But having said that, we are India's official, if I may not call it official, the first all-in-one road trip planner, and that's where we really stepped in for Aditya. All the community support is where we have really tried to help him in the best of to our capabilities. It's been an absolute pleasure to follow Aditya. Welcome back home, Aditya. Well, that's what we started off. The final leg of the social media was come home, Aditya. And I think he's back home where it all started, at Prithvi Theatre. And I don't think there's a better place for this. Talking about your company, what is the vision and what really made you start the company? Aditya and I, we go a long way back. We started biking together. We were all part of a club called Bison's Ride Hard. The club officially gave all of us wings.
And that's where it started. And we realized that there are so many more like us who want to travel India on bike, on in car, with their families, with their pets. And we needed to give them a safe environment to do this. Hence, Scout My Trip came into existence, and our entire idea was to make road trips fun, less stressful. So you don't have to worry about the next bathroom, the next decent restaurant, or which dhaba on the highway serves Jain food. That is where Scout My Trip is really going all out in terms of building these technologies. Last year, we were also amongst the top 20 travel technology startups by FICCI. This year, we were voted amongst the top 10 by Silicon India. And so we have a long way still to go, but we are going all guns blazing. The recent feather in the cap was integration with DigiLocker, which is part of the Digital India program of the Government of India. And our idea is quite simply making road trips fun. And we go by this tagline saying, going aage se right. So, yes. Thank you so much. Thank you.